हैं और एक बड़ा क्षेत्रफल है इसका, और यहाँ पर यात्रा करने के लिए गोल्फ कार्ट उपलब्ध कराई गई है। दिव्यांग जनों के लिए भी ये पूरी तरीके से सुगम और सुविधाजनक है। जितने भी मोड़ हैं आप देखेंगे उन पर बिल्कुल जेंटल कर्व हैं, कोई शार्प कर्व नहीं है जिससे झटके न लगे। This also depicts the flow of blood through our veins, so also connected to the human body in a way. बिल्कुल, शिराओं में और धमनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है मनुष्य में, उनका एक तरीके से प्रतिचित्रण है ये जो यहाँ पर लेंस बाय लेंस बनाई गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जगह जगह रुक करके जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मनी प्लांट हम सभी जानते हैं एक ऐसा पौधा है जो बेंजीन जैसी गैस को खींचता है, सेंसिवेरिया जो कि ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, एंथूरियम जो कि लव प्लांट के नाम से जाना जाता है, दिल की शक्ल होती है उसकी, पीस लिली फॉर्मल्डिहाइड को खींचता है, लोलिना प्लांट 126 साल पुराना पौधा है जो यहाँ पर मौजूद है आरोग्य वन में, बोनजाई 26-27 साल पुरानी, वे उपलब्ध हैं यहाँ पर, एयर प्लांट है जो कि जैसे ना तो सॉइल की आवश्यकता है ना ही पानी की आवश्यकता है और वो हवा से ही अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। केवड़िया जो टूरिज्म सर्किट है उसका अभिन्न अंग है ये आरोग्य वन, जिसका अवलोकन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं। And you know, a little earlier when the Prime Minister was in that digital information center, brought back memories that under the lockdown we are actually living in a digital age. And in fact, this year's International Yoga Day had to be celebrated digitally. And in fact, the Prime Minister gave a message digitally on International Yoga Day, and that message was actually about unity. He spoke about Yoga Day being a day of unity, as it binds everyone together. And when a family comes together to do yoga, is what he said, it spreads energy in the entire house. So one can see that, you know, with that kind of a mindset, the Prime Minister is moving around in Arogya One, which pretty much coheres in a sense with everything that he believes in terms of our understanding of human nature, of mind, body, spirit. And one can see that the very plan, the Aushadh Manav itself, which is the giant three-dimensional layout of the human body in a resting posture, each human organ represented by a medicinal plant beneficial to that particular organ. This is a pavilion which is in the shape of a lotus, and inside are planted indoor plants, so it is like a greenhouse in a way. So the indoor plant section in fact was created to spread awareness regarding the importance of interior landscapes, and interior landscaping is an important part of providing the kind of environment which is pleasant, which gives you a sense of relaxation. Also, some of these indoor plants are very important in these pandemic times because they help to absorb all the toxins in the air. इंडोर गार्डन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये कमल की कली की तरह लगता है और ऊपर से ये खुला हुआ है। इसमें कुल मिलाकर 17 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, और सबसे खास बात इस इंडोर गार्डन की ये है कि अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसने 10 ऐसे पौधों पर रिसर्च किया है जो वातावरण में ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं और प्रदूषण कम करने में सहायक होते हैं। तो आरोग्य वन के इस इंडोर गार्डन में इस समय प्रधानमंत्री अलग अलग चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं, और जब रात के समय में इस पर LED लाइटें जलती हैं तो ये इंडोर गार्डन जो है वो कमल की कली की तरह खिला हुआ नजर आता है, और ये दूर से नज़ारा ऊपर से खुला हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, जो पौधे जहाँ से भोजन तैयार करते हैं, उसके लिए वैज्ञानिक पहलू के तहत इसे डिज़ाइन किया गया है कि सूरज का प्रकाश औषधीय पौधों को लगातार मिलता रहे और वो भोजन तैयार करते रहें
और हम सबको पता है कि ये औषधीय पौधे आज के समय में कितना अहमियत रखते हैं। एक तरफ जहां जीवन में, हम सबके जीवन में भाग दौड़ काफी बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ ये दौर कोरोना महामारी का है, तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी औषधीय पौधों का महत्व बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री इस समय इंडोर गार्डन से बाहर निकल गए हैं और आरोग्य वन 17 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस समय प्रकृति और मनुष्य जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक लंबा और प्राचीन नाता है और प्रकृति की गोद में इतने खजाने भरे पड़े हैं कि हम इसे जितना नज़दीक से देखते हैं हमें उतना ही अनूठेपन और रोमांच का एहसास होता है। और इस समय प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के राज्यपाल और आरोग्य वन से जुड़ी अपनी यादों को लंबे समय तक सहेजने के लिए यहाँ वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं इस समय। और इस आकृति के साथ ये संदेश भी कि प्रकृति ने हमें सजाया है, संवारा है, मानवता को यहाँ तक लेकर आई है। अब इसके बाद मानव की भी जिम्मेदारी है कि वो प्रकृति को संवारे, बचाए और कोई भी नुकसान जो प्रकृति को हुआ है उसे ठीक किया जाए और आगे जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको एक अच्छी पृथ्वी, अच्छा वातावरण, अच्छा पर्यावरण मिले। It is indeed a circle of life in a sense. What we receive from nature, we have to return for equilibrium to be maintained in ourselves and in nature. आरोग्यवन से एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी और अपने आसपास पर्यावरण के लिए भी बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और ऐसे पौधों को अपने आसपास उगा सकते हैं, लगा सकते हैं, उनको विकसित कर सकते हैं जिनसे प्रदूषण भी कम हो और क्षमता बढ़े। In fact, Arogya Van has been conceptualized with sensitivity to the ecosystem of this area. And many of the plants that we see here can be seen in many parts of the country as it is. Many of these plants are around us. We have to understand their medicinal value and use them in our daily lives. Arogya Van, prakriti aur manav ke beech jo ek anokha samanjasya hai, usse sthapit karne aur use parilakshit karne ka ek saksham prayas hai. Aur badi sankhya mein ummeed ki ja sakti hai ki आम जनता, पर्यटक, खास तौर पर बच्चे, उनके लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पर सीखने के लिए, चाहे वो प्रयोगात्मक अंदाज में हो या फिर उसे शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें भी इजाफा हो सकता है। Well, Arogya Van is perhaps a unique herbal garden in that sense, but it's not the only one that we have in our country. There are lots of them, and perhaps none of them match this kind of garden. We have botanical gardens in different parts of the country, but they don't have this kind of concept. And that is what the uniqueness of this concept is, that it links everything to unity, with the Statue of Unity right in the center, drawing in all of it around it like a magnet in a sense. So it really stands out in that respect. In fact, it is unique in the way it has been conceptualized and dedicated to Sardar Patel, who himself was very particular about good health. He would often say, health should be given top priority. Everything else comes next. In his letter to his daughter Manibain, he wrote about the importance of maintaining good health. Skimping in the short term would lead to long-term expenses. For him, health was a holistic concept which must include the weight and vitality of the body. आरोग्य वन को देखकर ऐसा लगता है कि जो ज्ञान हमारी पुस्तकों में आप पढ़ें, आप उसे साक्षात यहाँ देख सकते हैं, सीख सकते हैं और जीवन में अपना सकते हैं। यहाँ का हर कोना अपने आप में बेहद खास है और हर पहलू को बहुत ही नज़दीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उन्हें समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है हर औषधीय पौधे की विशेषता के बारे में, उसकी खासियत के बारे में।
और इस पूरे आरोग्य वन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में जो परेशानियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसके इलाज में कौन कौन से औषधीय पौधे सहायक साबित होते हैं, उसी हिसाब से इस पूरे आरोग्य वन को डिजाइन किया गया है। देश के साथ साथ हमारे पड़ोसी मुल्कों और विदेशों से भी कुछ ऐसे औषधीय पौधे लाए गए हैं जो हमें स्वस्थ रखने में, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में या उम्र बढ़ने के साथ जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने में अहम भूमिका निभाते हैं। We can see the Prime Minister engaged in a conversation with the young guide, and we can see that a lot of young people are involved with this project, which is a sign also of greater opportunities, employment. We know that the entire theme park employs more than 5,000 people directly, and it has the potential to employ the entire region into an ecosystem which can generate a lot of business interest for people who are entrepreneurially minded. आरोग्यवन आत्मनिर्भर भारत का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रधानमंत्री इस देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की बात की थी। जिस तरीके से बहुत ही कम समय में, लगभग 6 महीने के कम समय में आरोग्य वन को विकसित किया गया और इसे पूरा किया गया, ये दिखाता है कि जो संकल्प है, जो प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था, उसको सिद्धि तक पहुंचाने में अथक परिश्रम किया गया और आज उन तमाम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है जिन्होंने आरोग्य वन के निर्माण में भूमिका निभाई, चाहे वो डिज़ाइन के स्तर पर हो, चाहे औषधीय पौधों के चयन के स्तर पर हो, चाहे इसे अलग अलग भागों में बांटने के स्तर पर हो। आज उन सब के लिए बेहद ही ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि आज के बाद से ये आरोग्य वन पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। राष्ट्र के अलग अलग लोगों के लोग यहाँ पर आएंगे और एक भाग से दूसरे भाग तक प्रधानमंत्री जाते हुए, ये वो इलाका है जो औषध मानव का क्षेत्र है, जहाँ पे 80x40 मीटर का औषध मानव है और औषध मानव के अंदर 60 प्रकार के औषधीय पौधे हैं और इसमें शरीर के जिस हिस्से में जो परेशानी है उसी हिस्से में वो पौधे लगाए गए हैं। आराम की मुद्रा में औषध मानव, और सबसे खास बात ये है कि इसमें दो पॉइंट ऐसे हैं घुटने के पास, दिन में वो सेल्फी पॉइंट बन जाता है और जब सूर्य अस्त होता है तो वो सनसेट पॉइंट भी बन जाता है। प्रधानमंत्री इस समय औषध मानव के सामने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना परिकल्पना मूर्त रूप लेती हुई भव्य रूप में औषध मानव के समीप आरोग्य वन का ये संभवतः सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आकर्षक भाग है। मानव शरीर के हर अंग के अनुकूल औषधीय पौधों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, यानी हर अंग के अनुकूल कौन सा औषधीय पौधा अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, उसकी जानकारी भी है। कुल 60 प्रकार की औषधियाँ इस मानव औषध में लगाई गई हैं। जिस अंग में बीमारी या कष्ट की स्थिति हो, वो औषधि प्रभावी हो, उसी औषधि को उस अंग के साथ समाहित किया गया है, जिसमें गिलोय या ब्राह्मी जैसे कुछ पौधे जो बहुत प्रचलित हैं आज की तारीख में, उनका नाम लिया जा सकता है। औषध मानव में आने वाले लोग जो हैं उनको इसके पत्ते भी यहाँ पर जो उपलब्ध हैं चखने के लिए दिए जाएंगे। औषध मानव का जो दाहिना पैर है थोड़ा सा उठा हुआ है और वो सेल्फी पॉइंट बनता है दिन में और शाम के समय सनसेट पॉइंट। ये विहंगम दृश्य है आरोग्य वन का, जिसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर पहले उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। केवड़िया टूरिज्म सर्किट का ये एक बहुत ही आकर्षक, बहुत ही दिलचस्प पड़ाव है, जहां पर सबसे पहले पहुंचे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। औषध मानव के अलावा एल्बा गार्डन, योगा गार्डन, अरोमा गार्डन, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं मनुष्य की, उन सभी पर आधारित उद्यानों का निर्माण हुआ है और साथ ही यहां पर आरोग्य कुटीर का भी निर्माण किया गया है, जिसे वेलनेस सेंटर के नाम से हम जानते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरी दिलचस्पी के साथ अवलोकन करते हुए गोल्फ कार्ट पर एक एक जगह रुककर विश्राम करके जो उत्साही गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं और यकीनन अपने आप में एक बहुत ही खास अवसर इस उद्यान से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े हर व्यक्ति के लिए। मानव की ज्ञानेंद्रियों के मुताबिक यहाँ पर उद्यानों का यानी गार्डन्स का निर्माण किया गया है, चाहे वो गार्डन ऑफ कलर्स हो, एरोमा गार्डन हो, योग के लिए गार्डन हो, एल्बा गार्डन, यूटिया गार्डन, सेक्रेट गार्डन, ये तमाम इस तरह के उद्यान हैं जो स्वास्थ्य की अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि जो एकता के सूत्र में बांधने की बात है वो विचार, वो चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हो, चाहे बच्चों से जुड़ा हो, चाहे भविष्य से जुड़ा हो, हम उसको केवड़िया के इस पूरे इलाके में अपने आसपास महसूस कर सकते हैं और अब साक्षात देख रहे हैं। That duck on water is a perfect symbol of equilibrium. It seems so calm on the surface, and yet one knows how it has to struggle to remain afloat. That perhaps is what all human beings also have to do. You have to struggle with the ups and downs of daily life, but finding that equilibrium is what keeps man going. It is said that there is no heaven beyond this heaven where we live. It's not a place somewhere in the beyond, it is very much here. And to find that heaven, you have to find equanimity in your being. Indeed, and when one looks beyond meditation, one looks at an environment in which one can find peace and also find what is necessary to bring about a peace of mind. And so it's much more than just, you know, the Arogya one is much more than just medicinal plants. It provides you with that sort of an atmosphere, and that's why, you know, the entrance itself with the Surya Namaskar symbolizes the unity of mind, body and spirit, and also towards the sun and the role that the sun plays in keeping all of this alive, in a sense. We can see all the beautiful herbal plants that are utilized in our well-being, in making us complete as human beings. And it is also the therapies that are involved, Ayurveda, Siddha, Yoga, Naturopathy, all these are available now from the unity of India to the world, and that in a sense is a different form of unity when we are looking at what India values and what India can give to the world. बिल्कुल, गौरवशाली परंपरा और अनूठी संस्कृति का परिचायक भी है ये आरोग्य वन। पूरी दुनिया को आयुर्वेद का संदेश देने वाला भारत आज आयुर्वेद के सहारे कोरोना महामारी को बहुत हद तक नियंत्रित करने और उसके कुशल प्रबंधन के लिए जाना जा रहा है, और उसी आयुर्वेद को एक नए स्तर पर, एक नए मकाम तक ले जाता हुआ आरोग्य वन। विहंगम नजारा, चारों तरफ हरियाली और हरियाली के बीच ऐसे ऐसे औषधीय पौधे जो हम सबके जीवन को संवारने, जीवन को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आरोग्य वन में हैं और वो आरोग्य वन में अलग अलग पहलुओं को नजदीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने आरोग्य वन राष्ट्र के नाम समर्पित किया। आरोग्य वन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ही है, ये जो केवड़िया का टूरिज्म सर्किट है उसको बढ़ावा देने के लिए
एकता की मूर्ति के आसपास के इलाके को पर्यटकों के लिए विकसित किया जा रहा है और उसी इलाके में पहले पड़ाव के रूप में प्रधानमंत्री आरोग्य वन में है इस समय। पर्यटन और जिज्ञासा का ये नया गंतव्य है केवड़िया। एक तरफ ये बड़ौदा से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है और दूसरी तरफ सरदार सरोवर बांध से बिल्कुल निकट और सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच। दो साल पहले तक ये ऐसा इलाका था जिसके बारे में पर्यटन की दृष्टि से लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से अब लोगों की जिज्ञासा इस स्थान के लिए जाग रही है और आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये पर्यटन का, स्वास्थ्य का और जिज्ञासा और जानकारी का नया गंतव्य, नया केंद्र होगा। The Prime Minister arriving at the Arogya Kutir, a wellness center where traditional medicines, massages, various plants and herbs are used for the wellness of a human being. So this wellness center, like Shirodhara, which is part of the Kerala tradition of Ayurveda. Yes, this wellness center is the government of Gujarat has joined hands with the Santigiri Ashram from Kerala for this wellness center. And as we were saying earlier, this ashram has loads of experience, more than 50 years of experience in ancient treatments and systems of Ayurveda, Siddha, Yoga. And what is provided here are treatments like Dhara and various other kinds of treatments, therapeutic massages, which are very popular in Kerala. And this Arogya One, you know, it's much more than just a garden, as we can see. It is a forest, and that's what one is. It is a forest of surroundings which are good for a human being. In fact, many of the herbs that are sold here or are available have been collected from the forest all around, from close to 160 villages from this area. People from the forest come here and give their products to which they have foraged in the forest to this wellness center. आरोग्य कुटीर में कई तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिसमें शिरोधारा, स्नेहपानम, सिरोवस्ति, उदावर्धनम, मर्म चिकित्सा, कर्णपुरम, हर्बल स्टीम बाथ, रसायन चिकित्सा और स्पाइनल बाथ जैसी सुविधाएं हैं। आरोग्य वन का एक विशिष्ट भाग आरोग्य कुटीर, जो रोगों से निदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आसपास के इलाकों से जो स्वयं सहायता समूह हैं वो बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। आरोग्य वन को उन्होंने अंगीकार किया है अपने केंद्र के रूप में और यहाँ पर ये विहंगम दृश्य हमारे विशेष कैमराज के द्वारा आप तक पहुँच रहा है। अरोमा गार्डन, जैसा हमने पहले कहा, जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। उसमें आँखों की बात की जाए तो जो गार्डन ऑफ कलर्स है वो उसे इंगित करता है, और अगर नाक ज्ञानेंद्री की बात करें तो यहाँ पर एरोमा गार्डन उसको परिलक्षित करता है। भांति भांति के औषधीय पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरी दिलचस्पी के साथ जिसका अवलोकन किया, आरोग्य कुटीर जिसे गुजरात के वन विभाग ने केरल के शांतिगिरी आश्रम के साथ सामंजस्य के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है, न केवल यहाँ पर औषधीय पौधे हैं बल्कि उपचार की भी सुविधा उपलब्ध होगी। जो यहाँ पर पर्यटक आएंगे उनको
मन वचन और कर्म से अपने आप को आह्लादित करना, प्रसन्न करना, निरोगी काया को प्राप्त करना, यही लक्ष्य है इस आरोग्य वन का। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, चरक संहिता की उक्ति है जिसमें यह कहा गया है कि आयुर्वेद स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है और मानसिक और शारीरिक व्याधियों का निदान करता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्कल्पचर ऑफ चिल्ड्रन बेदिंग इन अ पूल देयर। दीस वर द चिल्ड्रन ऑफ द लेबरर्स हु यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड टू क्रिएट दिस ब्यूटिफुल आरोग्य वन। इन द इवनिंग्स दे वुड कम हियर टू रेस्ट एंड रिलैक्स एंड फाइंड शियर जॉय in playing in the water. That is one of the sculptures, and of course Arogyavan is dotted with all kinds of sculptures, some symbolic and some giving information on various kinds of yoga postures that people should do for various ailments and for health and well-being. Indeed, and one can see that as we zoom out at the layout, which is so beautiful and well organized, as we can see. Oh. What really struck me about Arogya One was the Aushadh Manav. When we talk about organization, then that it really exemplifies everything, which identifies particular plants with particular parts of the body. Nothing can be easier for a person to understand more easily. We don't have to get complicated about things. And that's the ease with which people can understand what they are doing in Arogya One and going back at the end of the day with something quite enlightened and quite enriched. I think that would be something that people will take away. In fact, there are a lot of these remedies that we use at home. What our grandmothers have taught us, if you have cold, you can add pepper or ginger to your tea. Yes. Many of these things have come down to us, but we do not understand the scientific knowledge behind it. And this is a wonderful place to come and understand what medicinal plants are all about and how we can use them in our daily lives. ये आरोग्य वन का योग केंद्र है और इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये तीन तरफ से बंद है और सिर्फ पूरब की दिशा से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ अलग अलग योग की मुद्राएं हैं और सुबह के समय यहाँ योग करना अपने आप में बेहद ख़ास है। और यहाँ जो अलग अलग योग की मुद्राएं दिखाई गई हैं उनमें धनुरासन है, पदराज कपोतासन है, नटराजन है और वृश्चिकासन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिदिन योग करते हैं और उन्होंने कई अवसरों पर योग के महत्व को जनता तक पहुंचाया है और आज पूरी दुनिया भारतीय योग को मानती है, जानती है और उसे अपने जीवन में आत्मसात कर रही है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम देशों से ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां लोग बढ़ चढ़कर योग करते हैं, योग को अपने रोजमर्रा का जीवन का हिस्सा उन्होंने बना लिया है। और योग जो है वो हम सबको तरोताजा बनाए रखने में बेहद कारगर भी है। In fact, one can remember that during the lockdown, the Prime Minister used to share on his Twitter handle videos of several yoga asanas, and it helped people get involved with yoga and keep themselves fit because you couldn't go out to do other things. So the Prime Minister was, in a sense, engaging with people about something that he is close to his heart and something that he practices every day. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी उत्कंठा के साथ उन्होंने अपनी संकल्पना परिकल्पना को साकार होते देखा। दो वर्ष पहले जो कल्पना उन्होंने की थी आज उसने मूर्त रूप लिया है एक भव्य स्वरूप में। और प्रकृति और मनुष्य का सामंजस्य जिसका परिलक्षण करती ये प्रतिमा, जहां पर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक फोटो खिंचवाई एक यादों को संजो कर रखने के लिए। और उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में लाखों की संख्या में पर्यटकों का यहाँ पर आगमन होगा। और जो केवड़िया टूरिज्म सर्किट है जिसका निर्माण बड़े
जोशो खरोश के साथ किया जा रहा है, वहां पर बड़ी संख्या में लोगों का आगमन होगा। स्वयं सहायता ग्रुप जो कि आरोग्य वन का एक अभिन्न अंग है, वहां पर आसपास के इलाकों से जनजातीय समुदाय के लोग अपने परस्पर योगदान के द्वारा आकर्षक चीजों का निर्माण करते हैं और उनके उपलब्ध कराए जाने की जन सामान्य को यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप इस आरोग्य कैफे से औषधीय पौधे, आयुर्वेदिक उत्पाद खरीद सकते हैं और यहाँ की दुकानों को स्थानीय आदिवासी महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाता है। One has noticed that the walls have been painted with varli paintings, which is a specialty of southern Gujarat, and these paintings represent daily activity of the people of this region. आरोग्य कैफे, और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये कोरोना का समय, तमाम उन दिशा निर्देशों का पालन। And the significance also is that, you know, when people argue against displacement, they feel that people are not occupied, they don't have jobs. But here at this particular Narmada Dam and the creation of the Statue of Unity and the Unity Theme Park is actually a source of employment for people around this entire region, which they would have never had earlier. And we can see that the tribal population has greatly benefited as a result of that. बिल्कुल, और आने वाले दिनों में जैसा हम सब जानते हैं, केवड़िया के बारे में जिस तरह से अब जिज्ञासा बढ़ रही है और जिस तरह से ये पूरा सर्किट इसका विकास हुआ है, आने वाले दिनों में यहाँ पर पर्यटक आएंगे, रोजगार बढ़ेगा और इस तरह से यहाँ पूरा जीवन ही लोगों का प्रभावित होगा, बदल जाएगा। In fact, on the way here, we saw new construction of shops, little cafes. So people are gearing up for an expansion of tourism in this area. आरोग्य कैफे में आसपास के 163 गांवों की औषधियों का संग्रह है और यहाँ पर जो हैं वो आयुर्वेदाचार्य भी मौजूद रहते हैं, जो अगर कोई भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी है, वो आरोग्य वन की सैर पर आया है, आरोग्य कैफे में आता है, तो उसको उस हिसाब से औषधि भी यहाँ दी जाएगी। पहला पड़ाव केवड़िया टूरिज्म सर्किट का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय समारोह में भाग ले रहे हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सबसे पहले आरोग्य वन को राष्ट्र को समर्पित किया है, उसका लोकार्पण किया है। उसके पश्चात वे 16 और परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और उसके पश्चात 4 वो परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास करेंगे, जिनकी आधारशिला रखेंगे और आगे आने वाले दिनों में वो मूर्त रूप ले सकेंगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय आरोग्य वन का अवलोकन करने के पश्चात इसके प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं, साथ में हैं राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी। प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय आरोग्य वन से And the Statue of Unity complex, which has all these theme parks around it, is very nicely knit together. And there is also the possibility of people cycling from one place to another. In fact, there are cycles available for people to hire, and that would help tourism at the time when, of course, there is tourism beginning to get a boom. But we can see the Prime Minister now is moving to the next destination, which will be the Ekta Mall, and the Prime Minister will be inaugurating the Ekta Mall. And once again, a unity is the theme of this mall. Our country, we know, is unity in diversity, and I suppose this mall will actually exemplify that to a great extent. Pradhan Mantri is samay Aarogya Van se nikalte hue गुजरात का केवड़िया का ये इलाका, जो यहाँ आने वाले लोगों को
निकट भविष्य में आकर्षित करेगा अपने पर्यटन स्थलों के माध्यम से। 17 परियोजनाओं का आज उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री को, जिनमें से आरोग्य वन वो राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। आरोग्य वन में तरह तरह की शिल्पाकृतियां हैं जो हम सब से संवाद करती हैं, हम सबको उत्साहित करती हैं, हम सबको प्रेरित करती हैं। केवड़िया का ये पूरा इलाका जो है वो अपने आप में For the sound of their dance, for the smell of their soil, for the sight of their beauty, Vishwa Van is awaiting for you at Statue of Unity. Unity is in diversity indeed, bringing life to it are the herbs, shrubs and trees from across 7 continents of the world, living together at Vishwa Van. Of Statue of Unity. The colors of unity will inspire you. So will the spectacular view. The splendid design of pathways takes you to the glory of nature's play. Discover the world's diverse biogeography here. The intelligence behind distribution of species and ecosystems. The presentation of forests is inspired from the Olympic rings. Representing each continent. Enter the edifices of traditional abodes of folks, brought from the remotest areas of the world, be it Fiji House, Bali House, Malacca House or Pagoda. Experience their ways of living, nourishing the nature for the Mother Earth's pleasure. Enchanting feel of forests. Ocean like sight of skylines. माननीय प्रधानमंत्री अगले गंतव्य की ओर। मार्च में लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला गुजरात दौरा है। 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज केवड़िया में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन कर रहे हैं और 4 योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। केवड़िया नर्मदा के तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए अब जाना जाता है और धीरे धीरे इसके आसपास ऐसे कई स्थानों को विकसित किया जा रहा है जो एकता के संदेश को रेखांकित करते हुए और मजबूत करते हुए और पूरे देश को संदेश दे रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विचार संकल्पना भी माननीय प्रधानमंत्री की थी और ऐसे ही उनके कई विचार अब मूर्त रूप ले रहे हैं। इस समय प्रधानमंत्री एकता मॉल का उद्घाटन करते हुए, अपने नाम से ही स्पष्ट है कि एकता मॉल भारत के अलग अलग राज्यों के हस्तशिल्पों का एक अनूठा संगम है और आरोग्य वन राष्ट्र को समर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय एकता मॉल राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। एंड एट द एकता मॉल पीपल कैन फाइंड हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल शोरूम्स एंड दे बीन ओपन फ्रॉम स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। पीपल हैव कम टुगेदर टू प्रमोट इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एट वन लोकेशन and that's the theme, unity in diversity, national integration. It's a mall that's spread about over 35,000 square feet area and it's a one-stop shopping experience for people who like traditional clothing. The Prime Minister there, as we see, has entered the mall and he is heading for one of the emporiums. And this looks like the Northeast Emporium, judging by the handicrafts and handlooms in there.
the northeast. In fact, the Handicrafts and Handloom Development Corporation of the Northeast. We can see that the Northeast has been very close to the Prime Minister's heart as well, and this government, the government of Prime Minister Narendra Modi, has been giving a lot of time to the development of the Northeastern region, with the development of highways, inland waterways, railways. There's the entire Act East policy, which is designed towards developing and helping the Northeast. And the Northeast Handicrafts Development Corporation itself is a unit of all the states of the Northeast. Beautiful bamboo work, the famous Assam silk, some of the things that are on display here. Unity in diversity is beautifully seen in the exquisite handicrafts of our country. They form the warp and weft of the great tapestry of India. At Ekta Mall, there are shops from the National and Khadi Village Industries Commission, and also handicrafts shops which are owned by young entrepreneurs. Ekta Mall, jo ki anekta mein ekta ka parichayak hai, 35,000 वर्ग फीट में फैला हुआ दो मंजिला ये मॉल, जिसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी. आपसे कुछ ही क्षणों पहले उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया एकता मॉल को. साथ में हैं राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी. 20 अलग अलग राज्यों के और संस्थाओं के एम्पोरिया यहाँ पर स्थापित किए गए हैं. पूरब श्री, जो कि उत्तर पूर्व का एम्पोरिया है, सबसे पहले उसका अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने. गुजरात का गर्वी गुजरात यहाँ पर मौजूद है, ये दो मंजिला इमारत अल्प अवधि में जिसका निर्माण हुआ, सिर्फ 110 दिन में इसे बनाया गया है. देश के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, मध्य भारत, हर जगह से कलाकार, हस्तकरघा, हस्तशिल्प के अपने नमूनों का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं. केरल का कैराली कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, गुजरात राज्य वन विकास निगम का एम्पोरिया, संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हस्तकरघा विकास निगम यानी मृगनयनी जिसके नाम से हम जानते हैं उसे, ये सभी एम्पोरिया यहाँ पर मौजूद हैं. और पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ माननीय प्रधानमंत्री इन एम्पोरियम्स का अवलोकन कर रहे हैं, कलाकारों के कार्य का जायजा ले रहे हैं. और सही अर्थों में देखा जाए तो एक भारत, आत्मनिर्भर भारत और नवीन भारत, ये परिकल्पना साकार हो रही है केवड़िया टूरिज्म सर्किट में. जम्मू कश्मीर का एम्पोरिया भी यहाँ पर मौजूद है, जो अपनी विशिष्ट हस्तशिल्प कला के लिए सारी दुनिया में विख्यात है. ऊनी कालीन वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो विदेशों में निर्यात किए जाते हैं. इनके अलावा लकड़ी पर पच्चीकारी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का एम्पोरिया भी यहाँ पर मौजूद है. उसके अलावा कर्नाटक का कावेरी क्वायर बोर्ड, जो कि वाणिज्य मंत्रालय के तहत आता है. इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन कॉटेज गुजरात का एम्पोरिया है. छत्तीसगढ़ का शबरी, उसके अलावा ट्राइब्स इंडिया का जो एम्पोरिया है वो भी यहाँ पर मौजूद है. और पर्यटक आएंगे, न केवल वो भारत की गंगा जमुनी संस्कृति से रूबरू होंगे, हस्तशिल्प हस्तकरघा का आनंद लेंगे, अपने साथ यादों के रूप में इन्हें संजो करके लेके जाएंगे, और साथ ही रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा इस एकता मॉल से और यहाँ पर उपस्थित अन्य आकर्षणों से. केवड़िया एकता का एक और नया संदेश देता हुआ इस एकता मॉल से, जो 35,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और सिर्फ 110 दिनों में इसका निर्माण किया गया. आप किसी भी स्थान पर जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ खरीद कर जब लाते हैं तो हमेशा वो चीज आपको उस जगह की याद दिलाती रहती है. और यही केवड़िया के इस एकता मॉल की विशिष्टता, यहाँ के एम्पोरियम्स, और यहाँ से खरीदने के लिए बहुत कुछ ऐसा रहेगा जो पर्यटक यहाँ आएंगे और उसे अपने साथ ले जाकर उन यादों को हमेशा संजो कर रखना चाहेंगे. What is a holiday without buying souvenirs for family and friends?
Ekta Mall will be a center of attraction for tourists as the Honorable Prime Minister takes leave from the Ekta Mall towards the next destination here at the Statue of Unity complex. These celebrations are spread over 2 days because there is so much to do and see here at the Statue of Unity. So when visitors come, they also have to plan at least several days to see all the attractions of this place, which have been specially developed for tourists in India and abroad. एक बहुत बड़ा संदेश भी है अगर आप ध्यान से देखें जैसा कि कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री ने बात कही थी जान भी जहान भी तो आपको अपनी सुरक्षा भी रखनी है अपने आप को बचाना भी है वो तमाम उन बातों का पालन करना है जो कोरोना से बचने के लिए बेहद ज़रूरी हैं लेकिन साथ ही आपको अपना कर्तव्य भी निभाना है सब काम भी करने हैं दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एरिया इट्स वेरी ओपन And it's huge. So social distancing becomes a natural consequence of coming here. So the Prime Minister has left Ekta Mall and has arrived at the Food and Nutrition Park, which is the children's park. And when we saw the Ekta Mall, actually, one other thing that came to mind when all of you were talking was that the Prime Minister has been talking about the slogan of vocal for local. And that very clearly is significant in the Ekta Mall as well. ये दुनिया का पहला तकनीकी आधारित बच्चों के लिए पोषण पार्क है जो 35,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है और इस पार्क का जो थीम है वो सही पोषण देश रोशन और यहाँ की कई खासियतें हैं और प्रधानमंत्री हमेशा से ही बच्चों की बात करते हैं बच्चे जो देश का भविष्य हैं और वो तभी बेहतर कर पाएंगे जब उन्हें उचित पोषण मिले भारत सरकार के कई कार्यक्रम पोषण से जुड़े हुए हैं पोषण पखवाड़े मनाए जाते हैं और सितंबर का जो महीना था वो पोषण माह के रूप में भी पूरे देश भर में मनाया गया तो इस समय माननीय प्रधानमंत्री पोषण पार्क जो है जो चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है वो राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं जो भी लोग केवड़िया आएंगे उनके लिए अब देखने के लिए बहुत कुछ है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ जो परिवार अपने बच्चों के साथ आएगा उनके अभिभावकों को ये बताया जाएगा कि बच्चों के जीवन में पोषण का क्या महत्व है और उनकी दिनचर्या कैसी हो उन्हें किस तरीके का संतुलित आहार दिया जाए किस उम्र के बच्चे को कौन कौन से पोषक तत्व प्रदान किए जाएँ ताकि उनका जो विकास है वो बेहतर ढंग से हो सके और जो कई समस्याएं बच्चों के जीवन में आ जाती है बहुत ही कम उम्र में वो उन तमाम समस्याओं से दूर रहें और वो जो चाहते हैं जो कल्पना की उड़ान भरना चाहते हैं जो अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं वो समय से और अच्छे तरीके से हासिल कर सकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पोषण पार्क में And when one looks at a children's park, one, normally thinks of an amusement park, but this is not an amusement park, this is a nutrition park. And one understands then the importance of the holistic messaging that this entire theme park around the Statue of Unity comes with. The messaging is of something deeper, not the amusement of life, that life has a meaning, life has a purpose. And one can see that, you know, in every single theme park that one visits over here, there is a message being carried. And one of these messages is directly for children about their nutrition and how it makes them, makes the world brighter. Children Nutrition Park, जो कि संभवतः विश्व का पहला टेक्नोलॉजी ड्रिवन चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है केवड़िया टूरिज्म सर्किट का एक अभिन्न अंग माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कुछ ही क्षणों पहले जिसे राष्ट्र को समर्पित किया सबसे पहले आरोग्य वन गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसके पश्चात उनका आगमन हुआ एकता मॉल में और अब इस समय वो चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में उपस्थित हैं
8.5 एकड़ में फैला। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, बहुत पुरानी कहावत है और इसे नया स्वरूप प्रदान किया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान ने, सही पोषण देश रोशन। और इसी परंपरा का उदाहरण उसे चरितार्थ करता हुआ चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, जिसका प्रमुख आकर्षण है 600 मीटर लंबे ट्रैक पर चलने वाली न्यूट्री ट्रेन, जो अलग अलग स्टेशन पर रुकती है, जो पौष्टिकता या न्यूट्रिशन के अलग अलग तत्वों पर आधारित है। और स्टेशन का नाम है जहां से ये ट्रेन रवाना हो रही है, एकता जंक्शन। अपने नाम को, इस स्थान के कलेवर को, चरित्र को पूरी तरीके से सही साबित करता हुआ, चरितार्थ करता हुआ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एकता जंक्शन से रवाना हो चुके हैं न्यूट्री ट्रेन में। और पहला स्टेशन जिसका पहला पड़ाव होगा फलशाक ग्रहम, संस्कृत उच्चारण को ध्यान में रखते हुए स्टेशन्स के नाम रखे गए हैं। और बच्चों के लिए इससे बेहतर सीखने के लिए कोई जगह होना मुश्किल है। They say that important life lessons are well remembered when they are not taught, but when children learn them through play and discovery. And this is an ideal place for children to understand the value of food, the value of nutrition, and in fact, the value of life. Phal Shak Griham, pehla station, Children Nutrition Park ka. हर स्टेशन का एक शुभंकर बनाया गया है और जो पहला स्टेशन है उसका शुभंकर किसान कुमार हैं। और ये यहाँ आने वाले लोगों को ये सीख देते हैं, बच्चों को ये बताते हैं कि वो अपने जीवन में ताज़ा सब्जियों और फलों को शामिल करें और उससे कैसे उनका विकास होगा, उससे किस किस तरह के पोषक तत्व उन्हें मिलेंगे और कितना ज़रूरी है ताज़ा सब्जियों और फलों को अपने जीवन में शामिल करना। तो माननीय प्रधानमंत्री इस समय फल शाक गृहम में। दैट इज द फर्स्ट संदेश, बेहद जरूरी। और उसी के साथ ये समझना सभी बच्चों के लिए बड़ा आवश्यक होगा। जो भी सब्जी तुमको वो मेरे खेतों से मीठे फल जो मैं उगाता वो मां लेके तुम्हें खिलाती, चाहे वो दाल चावल या फिर वो रोटी का गेहूं, चना राजमा ज्वार बाजरा सब अनाज का स्रोत ही है। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर बीज लिए खेतों में जाता, हर बैलों के साथ मिलकर धरती को उपजाऊ बनाता, गाजर मटर पालक को सर्दी में ही आते हैं, अंगूर आम तरबूज पपीते हम गर्मी में खाते हैं, बेमौसम के फल और सब्जी कभी भी तुम ना खाना, सही समय से अच्छा खाके खूब स्वस्थ बन जाना, पेट को फिर रखते खुश और खून साफ करते हैं, हरी सब्जियां खाके सारे रंग से हट पाते, घर की भिंडी कड़ी राजमा सब्जियां तुम खाना, जब तुम चाहे माँ पापा से मुझसे मिल ले। किसान कुमार का संदेश बच्चों के लिए, ताजा फल और सब्जी बेहद जरूरी। और बच्चों के लिए ये संदेश इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चे स्वादिष्ट भोजन तो चाहते हैं लेकिन वो पौष्टिक है कि नहीं, ये सुनिश्चित करना हम सब का यानी अभिभावकों का और बाकी विशेषज्ञों का कर्तव्य है। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम टुडे, watching the Honorable Prime Minister inaugurating the Children's Nutrition Park, this is the time to book your tickets and come here. If you have fussy children who don't like to eat their fruits and vegetables, they will surely get inspired. Yes, indeed. And a clear message there from the farmer Kisan Kumar, who quite clearly told the children what is good for them,
how they should eat fresh vegetables and fruits, and how they contribute to various essential nutrients and also immunity, and becoming an immunity warrior at this time. And that is really key, because you know we are faced with so many unknown illnesses that can hit us, and so just building our immunity through natural means. Kisan Kumar telling us how to do it. There are all kinds of games here, computer games and quizzes, where children can participate, answer questions and win points. And we are seeing a demonstration of that right now. और इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो बच्चे यहाँ पर देखने आए उनका पूरा मनोरंजन हो, और वो जिज्ञासा उनके अंदर जगाने के लिए जो फल हैं, सब्जियाँ हैं, उनके जो प्रतिकृति है उसको बहुत ही अनूठे अंदाज में यहाँ पर पेश किया गया है। और बच्चों को ये भी समझाया जा रहा है कि फल और सब्जियाँ कहाँ से आती हैं। We don't get fruits and vegetables from the local vegetable vendor, but how they are grown, how much effort the farmer puts in to grow those vegetables, all this is being depicted here. I think the importance of agriculture in protecting all of us, which many of us take for granted, this is something that is a lesson that is well taught and very necessary at this time. Sowing, caring, harvesting, and the role that our farmers play in just keeping us alive, in a sense. किसान कुमार के पहले श्रोता बने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने फल छायाग्रहम जो पहला स्टेशन था न्यूट्रीट्रेन का, उस पर उन्होंने विश्राम किया, उतरे, उसके बाद जानकारी हासिल की किस तरीके से फल या सब्जियां बोई जाती हैं, कैसे बढ़ती हैं, कैसे उनकी पैदावार होती है, न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए, हर एक के लिए, हर खास आम के लिए खास जगह है ये चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, जिसे विशेष तौर पर डिज़ाइन किया गया है दिलचस्प अंदाज में, जो कठिन क्लिष्ट चीज़ें हैं उन्हें बताने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिनका एक के बाद एक अवलोकन कर रहे हैं, अगले स्टेशन के लिए रवाना हो रहे हैं। Sardar Patel used to say, it is only so long as a man can retain the child within him that life can be free from those dark shadows which leave inevitable furrows on a man's forehead. This is the place to find the child within you. इस तरह की व्यवस्था जो टॉय ट्रेन कहते हैं भारत के कई म्यूजियम्स में है, लेकिन यहाँ पर जब बच्चे इस न्यूट्री ट्रेन पर चढ़ेंगे तो उनका मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही साथ उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, उनको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। और इसी उद्देश्य के तहत ये जो पार्क बना है, ये जो पोषण पार्क बना है, इसकी महत्ता बढ़ जाती है। दुनिया में अपनी तरह का ये पहला पार्क है। तो पहले यानी फल शाख गृहम के बाद जो दूसरा स्टेशन है इस न्यूट्री ट्रेन का, वो है पयोनागरी, और वहाँ पर धीरे धीरे प्रधानमंत्री पहुँचते हुए, और वहाँ जैसा कि हमने देखा कि फल शाख गृहम में किसान कुमार थे, तो वहाँ के शुभंकर यानी दूसरे स्टेशन के जो शुभंकर हैं वो हैं जनार्दन। दूसरा स्टेशन पयोनागरी, और यहाँ पर 50 मीटर लंबी सुरंग टनल, जिसमें लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और ये बेहद ज़रूरी है कि बच्चे भी इस बात को समझें, क्योंकि उनके सही विकास के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे उनमें जो पौष्टिक तत्व हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो उन्हें कहाँ से प्राप्त हों, वो दूध है, फल, सब्जी, ये तमाम चीज़ें उनके भोजन में शामिल हों, उनकी थाली में क्या क्या शामिल हो, ये बेहद ज़रूरी है। और ये समझना हर एक के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ये सिर्फ कहा जाता है, लेकिन असलियत यही है कि बच्चे हमारा भविष्य हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय दूसरे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं,
जिसे पयोनगरी का नाम दिया गया है। और ये जो चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, ये यूनिटी इन फूड डाइवर्सिटी को परिलक्षित करता है, भोजन में विभिन्नता और उसकी एकता का परिलक्षण। केवड़िया टूरिज्म सर्किट का एक अनोखा अंग, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित हैं, बहुत ही दिलचस्प अंदाज में जनार्दन सुनते हुए। Indeed, and we can see that Janardhan. Namaste, mera naam hai Janardhan. पूजा के दिनों में मैं माँ से थोड़ा सा ज्यादा पंचामृत लेके पी जाता हूँ, और नानी के हाथ की आम और दूध वाली आइसक्रीम मेरी फेवरेट है, और माँ को नहीं पता कि मैं ही घर का सारा मक्खन खत्म करता हूँ। दूध हमारे दांत और हड्डियाँ मजबूत करके हमको शक्तिशाली बनाता है। दूध से बिना वजन बढ़े हमारे शरीर को उत्तम पोषण मिलता है, और हमारी हड्डियाँ और दांत टूटने से बचे रहते हैं। तभी तो मैं खेल कूद में हमेशा आगे रहता हूँ। मुझे भी, फिर मिलने आना। नमस्ते। So this is one of the big attractions of the Children's Nutri Park, the second station, which is Payonagari, where a 10-year-old animated character, Janardhan, is the mascot and was having a lively conversation there with Prime Minister Narendra Modi. And he this is the interactive session where there are these spots where children can come and churn butter. And they can play certain kinds of games like feed the cow, churn the butter, cow stands out, milk story. So children, so that does connect children to the world of milk, to rural settings, and it is also so reminiscent of Lord Krishna in all his naughtiness, and the gopikas and the closeness to the cow. Very true. दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है, और बच्चों के सर्वांगीण विकास में दूध दही की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस पूरे जो दूसरे स्टेशन को है, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और प्रधानमंत्री इस समय स्वयं जो है वो मक्खन निकालते हुए दूध से। और भारतीय परंपरा में भी एक लंबा इतिहास रहा है, भगवान श्री कृष्ण माखन चोर कहे जाते रहे हैं। और इस समय यहाँ पर जो भी बच्चे देखने आएंगे, उनको रोमांचित करने के लिए, उनको न्यूट्री पार्क से जोड़ने के लिए इस तरीके की बहुत ही रोमांचक पहल की गई है। गांव की पृष्ठभूमि के सभी लोग समझ सकते हैं कि इस तरह बिलोकर जो मक्खन निकाला जाता है, तो उससे जब घी बनता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। उसकी पौष्टिक, उसके पौष्टिक गुणों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, और बच्चों के लिए बेहद आवश्यक दूध और दूध से बने उत्पाद, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। वही जानकारी यहाँ आने वाले पर्यटकों को दी जाएगी आज इसके लोकार्पण पर माननीय प्रधानमंत्री। इस चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में ये एक तरह का गेम है, जो यहाँ पर बच्चे आएंगे तो वो मक्खन निकालने के साथ साथ ये गेम खेलेंगे। एक तय समय हर प्लेयर को दिया जाएगा, और उसी में उनको अपने पॉइंट्स बनाने हैं। Technology very much at the forefront, and that's what will draw a lot of children in, just to play these games and learn in the process. So this is a form of edutainment
which is the larger theme one would think of the entire the theme park, because it's not really entertainment, it is education with a lighter side to it. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस समय चिल्ड्रन एजुकेशन पार्क में, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में शिक्षा और सूचना, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन सबके समावेश और उसकी बदौलत ज्ञानार्जन का जो माध्यम बन रहा है ये पार्क, उसका अवलोकन कर रहे हैं। साथ ही वो सुझाव भी देते हुए नज़र आते हैं, गहराई से देखते हैं हर चीज़ को, उसका अवलोकन करते हैं, अनुभव करते हैं और फिर अगर उसमें सुधार की गुंजाइश हो तो उसका सुझाव भी दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। न्यूट्री ट्रेन में अब बैठकर प्रस्थान कर रहे हैं अगले पड़ाव के लिए, अगले स्टेशन के लिए। न्यूट्री ट्रेन का 600 मीटर का लंबा ट्रैक है, अलग अलग स्टेशंस हैं, कुल मिलाकर के 5 स्टेशंस हैं जिनमें से 2 की यात्रा कर चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। फलशाग्रहम सबसे पहले वो गए थे, जहाँ पर किसान कुमार से मुलाकात हुई थी। दूसरा स्टेशन पयोनगरी था, जो जल से और दूध से संबंधित था। वहाँ पर जनार्दन उपस्थित थे, जिन्होंने अपने दिलचस्प अंदाज में जानकारी दी। दूसरे और तीसरे स्टेशन के बीच में एक 50 मीटर लंबा टनल भी बनाया गया है, जिसे अनुभव टनल का नाम दिया गया है और वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। रंग बिरंगा कलेवर, आकर्षक परिदृश्य और साथ ही उसमें विज्ञान और तकनीक का समावेश, यही है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क की खूबसूरती, उसकी खासियत। और ये है वो अनुभव टनल, 50 मीटर लंबा, अपने आप में खासा लंबा है अगर ट्रैक की कुल लंबाई के हिसाब से देखा जाए। यहाँ पर नैनाभिराम परिदृश्य उपस्थित किया गया है तकनीक का समावेश करते हुए, जहाँ पर न्यूट्री ट्रेन रवाना हो रही है। देश का सर्वोच्च नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केवड़िया टूरिज्म सर्किट में 2 दिवसीय समारोह में भाग ले रहे हैं, जिसका ये पहला चरण है। और यहाँ प्रकृति के अलग अलग उपादानों को बहुत ही मनमोहक ढंग से पेश किया गया है। और ज़रा सोचिए कि जब बच्चे इस न्यूट्री ट्रेन के सहारे दूसरे से तीसरे स्टेशन की यात्रा करेंगे तो वो कितने रोमांचित होंगे, कितना उन्हें मज़ा आएगा, और मज़ा आने के साथ साथ उनको कई लाभप्रद सूचनाएं भी मिलेंगी। जैसा कि हमने बताया कि इसमें साउंड की भी व्यवस्था है, तो उसमें कई ऐसी रोचक जानकारियाँ हैं जो हंसी खेल में बच्चों तक पहुँचाई जाती हैं, जिससे कि आने वाले समय में उनको सीखने का मौका मिलता है, पोषण संबंधी अपनी आदतों को सुधारने का अवसर मिलता है, और ये भी जानने का सौभाग्य प्राप्त होता है कि कैसे वो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस समय ये न्यूट्री ट्रेन अपने तीसरे स्टेशन पर पहुंच गई है और तीसरा स्टेशन जो है वो है अन्नपूर्णा, जहां पर एक माँ शुभंकर के तौर पर आने वाले लोगों का स्वागत करती है। So the toy train now is moving to its third station, and the third station is called Annapurna, and everything is digital. All the mascots are digital. We saw Janardhan, and we also saw Kisan Kumar, and now we have Ma, a mother who welcomes with a heartwarming and informative song. She welcomes people in. Also, we saw the train going through a 50-meter tunnel, and that was also a wonderful experience because we saw light and sound show there as well. In fact, now that we are going to the station, which is about the mother, Sardar Patel himself was very fond of children, although he was not given to an exhibition of his affection. He seemed to be very stern, but he had a tender heart, and Gandhiji would say that Sardar Patel reminded him of his mother. He also looked after people like Kanhaiya Lal Munshi with the affection of a mother when they were all in prison. So a mother can come in many forms. Yes, indeed, of course. And one can see that
the overarching theme of everything is unity, and one can't forget the contribution of Sardar Patel to the unity of our country, which is the real basis of this entire theme park and the basis of Ekta Divas, which will be celebrated tomorrow. बच्चों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क जिसका तीसरा स्टेशन अन्नपूर्णा। इस तीसरे स्टेशन में एक गाने के माध्यम से बच्चों को यह बताया जाएगा कि घर में बना भोजन कितना महत्वपूर्ण है उनके सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कई बार चटपटा खाने के चक्कर में बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में इस तीसरे स्टेशन को कुछ इस ढंग से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ एक गीत के सहारे बच्चों को ये संदेश दिया जाएगा कि घर का बना भोजन, साफ भोजन कई बीमारियों से हमें बचाता है, पोषण प्रदान करता है और तेजी से विकास करने में भी सहायक है। और ये जो गीत है उसे आशा भोसले जी की आवाज में पिरोया गया है और इस समय प्रधानमंत्री तीसरे स्टेशन में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में अलग अलग स्टेशंस पर जाकर के जो मनोरंजक अंदाज में जानकारी उपलब्ध कराई गई है उसका अवलोकन करते हुए, उसका पूरी उत्कंठा पूरी तन्मयता के साथ सुनते हुए उसे तीसरा स्टेशन अन्नपूर्णा, जहाँ पर डिजिटल मैस्कॉट है एक माँ जिसके दिल को छूने वाले गीत के माध्यम से वो बच्चों का स्वागत करती नजर आती है। मशहूर गायिका आशा भोसले जी ने उसे अपनी आवाज़ दी है। घर के पकाए भोजन की अहमियत स्वास्थ्य के लिए कितनी अहम है, कितनी महत्वपूर्ण है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और यहाँ इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन गेम्स भी हैं अलग अलग स्टेशंस पर जो हमने देखे, जिनका अवलोकन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया। बहुत ही खास एक अंग कहा जा सकता है केवड़िया टूरिज्म सेक्टर का इस चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क को। एंड दिस इज एन इंटरैक्टिव गेम वेयर cuisines from different parts of the country have been presented, so you can play it with other people as well. Plates come in front of you and you have to identify which part of the country or which state this cuisine is from. Rashtriya ekta ki bhavna, anekta mein ekta ka bhav, Sardar Patel ki prerna aur use moort roop में लाने का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निर्विवाद रूप से दिया जा सकता है। आज उसी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं इस चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में, इस तीसरे स्टेशन पर जिसका नाम है अन्नपूर्णा। एंड दिस प्लेस ब्रिंग्स आउट द चाइल्ड इन एवरी एडल्ट, सो वी कैन सी VIPs indulging in a bit of gameplay. Yes, indeed. No matter how old we grow, we never forget माँ के हाथ का खाना, the food our mother cooked for us, and I think the magic ingredient besides all the nutrition is love. True, and the games itself are quite fascinating when we look at, you know, spice it right, which is trying to find the right recipe, plate it right, which is the kind of food from which part of the country, and we saw in fact a little bit of that game being played, plate it right. बच्चे ये देखेंगे, पहचानेंगे और जानेंगे, और अगर उन्होंने वैसा खाना नहीं खाया होगा तो उस प्रदेश के भोजन को ज़रूर चखना चाहेंगे। सब बच्चों को हमेशा याद रहता है स्कूल के दौरान जब खाने के लिए जब छुट्टी होती है तो सब अपना अपना खाना निकाल कर जब खाते हैं तो हमेशा माँ को याद करते हैं, और उसके बाद दुनिया घूम आते हैं और फिर भी हर जगह उन्हें एक ही चीज याद आती है, माँ का खाना। That's absolutely right. When you talk to any of the big achievers who moved out into the world and brought name and fame for themselves and for the country, if you ask them what their favorite food is, it is always
the food cooked by their mother. जो भी बच्चे दूरदर्शन के माध्यम से इस न्यूट्रिशन पार्क को देख रहे हैं वो जरूर यहाँ आना चाहते होंगे, उनका मन यहाँ आने को हो रहा होगा। तो इसके अभी और भी आकर्षण बाकी हैं। ये न्यूट्री ट्रेन जो है वो 3 स्टेशन पर ही रुकी है और अब माननीय प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा के बाद 4th स्टेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो जहाँ भी जा रहे हैं वो हर एक छोटी से बड़ी चीज़ों को बहुत गौर से देख रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं और उन्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि बच्चों के नज़रिए से कुछ और बेहतर हो सकता है तो वो संबंधित अधिकारियों को सुझाव भी दे रहे हैं। तो अब जो इस न्यूट्री ट्रेन का 4th पड़ाव है वो है पोषणपुरम, जहाँ पर ये न्यूट्री ट्रेन अब रुकने वाली है। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य, पीछे पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही हैं और ये न्यूट्रिशन पार्क जिसे बड़े ही सुंदर विचार के साथ यहाँ बनाया गया है। एक एक स्टेशन इस तरह से उसका निर्माण किया गया है कि बच्चों को और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को पोषण के विषय में पूरी जानकारी दी जा सके। But children are also encouraged to play games outside. There are nutri treasure hunts as well. Children are encouraged to express themselves in whichever way. They are allowed to be naughty once in a way. As Sardar Patel himself said, and I quote him, as far as I can remember, I yielded to none in the captaincy of mischief or of sly attempts to hoodwink one's elders. I can recall, however, it was almost always in a good cause. Of course, a good cause from my point of view. I took to serious studies as I took to play cheerfully. So this is the kind of place where you can be serious about the messages you are receiving about food and nutrition, but it's also the kind of place where you can kick back, relax, and play a few games. And we can see that the 4th station resembles a large tiffin carrier, which itself is quite significant because children take their tiffins to school. And here the theme is on seeds, on nuts, on hydration, on elements that are extremely important for our well-being. देश का हर नागरिक विकास में योगदान दे सके इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो पोषण युक्त भोजन करे। सही पोषण देश रोशन की थीम पर इस पार्क को डिजाइन किया गया है और यहाँ जो भी व्यक्ति आएंगे अपने बच्चों के साथ उन सबको हंसी खेल में अलग अलग गेम्स के माध्यम से ये बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि जीवन में पोषण का कितना महत्व है, कौन कौन सी चीजों को अपने भोजन में शामिल करें जिससे कि उन्हें पोषण मिल सके। In fact, people normally talk about how fast food is bad for health, but when we talk about healthy food like eating nuts and fruit, these are also fast food because they get assimilated very easily and give us energy very quickly, and this is healthy fast food. बिल्कुल, ये क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण समझना चाहिए फास्ट फूड और जंक फूड के बीच में। ये तो जंक फूड से बचना है और जो इस तरह का खाना है जो आपको तुरंत पोषण भी दे और आपको ऊर्जा भी दे और जो हम पुराने समय से खाते आ रहे हैं उस पर लौटना बहुत ज़रूरी है। एंड द ऊर्जा दैट यू नीड, द पोषण दैट यू नीड इज बोथ फॉर वर्क एंड फॉर प्ले। The Prime Minister has entered the 4th station, which is Poshanpuram, and this is an artificial well that is inside, projected inside, which is obviously the importance of water and hydration.
चौथे स्टेशन पर यानी पोषणपुरम में यहाँ के जो शुभंकर हैं वो 11 वर्षीय शक्ति मेहता हैं जो वर्चुअली यहाँ पर आने वालों को संदेश देंगी, समझाएंगी जल के महत्व के बारे में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बहुत फोकस रहा है कि देश के हर व्यक्ति को स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके और इसके लिए जल मंत्रालय की भी पहल की गई है। और इस न्यूट्री पार्क में आने वाले बच्चों को भी बताया जाएगा कि साफ पानी बेहतर स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और जब कोई जानकारी बहुत ही रोचक ढंग से बच्चों को बताई जाती है, किसी कहानी के माध्यम से समझाई जाती है, तो वो उनके जहन में लंबे समय तक बनी रहती है। और न्यूट्री पार्क के अलग अलग स्टेशन में इसी बात का ध्यान रखा गया है कि बच्चों तक जो जानकारी पहुंचाई जाए उसमें रोचकता हो, उसमें कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग की बात हो, तो उस नज़रिए से भी ये न्यूट्री पार्क बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब न्यूट्री ट्रेन के 600 मीटर लंबे ट्रैक के अंतिम स्टेशन पर पहुंच रहे हैं जिसका नाम है स्वस्थ भारतम। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने न केवल देश में स्वच्छ जल पहुंचाने का प्रण लिया है, देश के हर भाग में बिजली पहुंचाने का प्रण लिया है, बल्कि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत की जो कल्पना है उसको भी परिणत पर ले जाने में वो प्रयासरत हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। खेलों की महत्ता को परिलक्षित किया गया है इस अंतिम स्टेशन में, स्वस्थ भारतम में। वर्चुअल क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, डिजिटल हैमर, डांस के आदि के माध्यम से मिरर मेज जो कि एक और महत्वपूर्ण अंग है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का, अलग अलग आकार के वहां पर दर्पण लगाए गए हैं, अलग अलग छवियों को प्रदर्शित करते हैं। इनके अलावा एक भूल भुलैया सिनेमा भी है जिसमें 5 डायमेंशनल फिल्म दिखाई जाती है। और खास बात यह है कि उसका नाम है भारतीय थाली, यानी भोजन भिन्नता में एकता, यूनिटी इन फूड डाइवर्सिटी। The maze of mirrors is like journeying into the mysteries that lie within. The more one is lost, the more one finds oneself. It's like meeting the inner personalities that exist within oneself. And this is a 5D image. Jungle, you can almost experience the birds and the bees, the flora and fauna.
In fact, this Statue of Unity complex, too, is like a maze that leads the visitor to different journeys, some within and some into the mysteries of nature. And one can see that the Prime Minister, the Governor and Chief Minister are all maintaining social distancing, which is important at this time. And we can see that once the children's park is also opened to the public, we will know that that is an important message to keep, because maintaining social distance is important right until the time that we are rid of COVID-19. And COVID-19 guidelines stipulate this as well, safety of visitors. बिल्कुल, यहाँ पर बच्चों के लिए कई तरह की गतिविधियाँ हैं और कई रोमांच हैं, और हम सब के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, और प्रधानमंत्री भी उसी उत्सुकता के साथ इस समय भूल भुलैया में इस पूरे न्यूट्री पार्क का अपना आकर्षण है, कई मायनों में बेहद खास है, और कल के भविष्य और आज के जो बच्चे हैं उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। एक तरफ मनोरंजन है तो दूसरी तरफ सीखने के लिए बहुत कुछ है। और यहाँ पर एक 5D फिल्म भी है जो कि आपको रोमांचित करेगी, और जैसा कि आपको बताया कि इस फिल्म का नाम है भारतीय थाली, यानी भारत के अलग अलग हिस्सों में जो भोजन की विविधता है उसको पेश करती है ये 5D फिल्म। नमस्कार दोस्तों, अब हम तैयार हैं पूरे भारत की थाली का स्वाद चखने के लिए। हम भी आपके साथ इस रोचक यात्रा में जाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। अगले 5 मिनट होंगे आपके सबसे यादगार लम्हे, और ये होगा इस जादुई सोनगाड़ी में। तो जरा संभल कर बैठिए दोस्तों इस मजेदार यात्रा के लिए। शुरुआत होती है पौष्टिक नाश्ते से। आइए देखते हैं कि भारत के पश्चिमी राज्यों में नाश्ते में कैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। पर हमको यहाँ चुपचाप अंदर जाना होगा ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। चलिए दोस्तों, पश्चिम भारत का नाश्ता तो देख लिया, अब चलते हैं दक्षिण के पकवानों का लुत्फ उठाने। यहाँ से आगे आपके साथ ही होंगे मेरे प्यारे दोस्त किसान कुमार। धन्यवाद महाराज, मैं अपने दोस्तों को ये बता दूं कि यहाँ से दक्षिण की दूरी
लगभग 2000 किलोमीटर है। सफर थोड़ा कठिन होगा पर आप इसका आनंद भी जरूर ले पाएंगे। तो चलिए बाय बाय। ये शॉर्टकट है दोस्तों, संभाल कर बैठना, घबराना मत दोस्तों, हम जल्द ही अपने काम पर पहुंचने वाले हैं। लगभग हर व्यंजन बनता है एक ही प्रकार के अनाज, दालों, दूध और दही से। तो हमेशा याद रखिए कि हमारे खाने की विविधता में भी है एकता। आज आपने देखा कि अपने देश के विभिन्न प्रांत कैसे खाने के माध्यम से भी एक साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने देश के किसानों और माताओं के बहुत आभारी हैं। हमारी यात्रा तो यहाँ समाप्त होती है पर आप घर के खाने के महत्व को हमेशा याद रखिएगा। आपका इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद।
तो स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार। और हाँ, इस एकता स्थल पर सेल्फी तो बनती है। फाइव डी फिल्म भारतीय थाली, भोजन विविधता में एकता, इस फिल्म का आनंद लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में एक एक करके हमारे सामने जो स्थान जो चीजें आ रही हैं वो निश्चित ही एक बात को तय कर रही हैं कि यहाँ आने वाले हर बच्चे को और अभिभावक को भोजन से संबंधित और पोषण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है और साथ ही साथ इस जानकारी को मनोरंजन के साथ और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उन तक पहुंचाया जाएगा। अगर जानकारी मनोरंजन के साथ या खेल खेल में या टेक्नोलॉजी के साथ पहुंचाई जाए तो उसका असर कहीं ज्यादा और बहुत जल्दी ग्रहण की जाती है। एंड दीज आर विजुअल्स ऑफ द चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क एट नाइट व्हेन इट इज ब्यूटीफुली लिट अप and the lights adding to the magic of the place. So this is a place for children to visit, and I'm sure the adults who are watching this right now are also getting tempted to come here, even if they don't have children. Sahi Poshan, Desh Roshan is the theme of the Children's Nutrition Park. रात के समय अगर आप न्यूट्रिशन पार्क आना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा विहंगम नज़ारा। प्रकाश की उत्तम व्यवस्था की गई है यहाँ पर और बच्चों को आकर्षित करने के लिए सभी तरह के उपाय किए गए हैं। रोचक जानकारियाँ रोचक अंदाज में यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। जैसा कि हमने अभी देखा कि एक एक करके कई स्टेशन पर न्यूट्री ट्रेन के सहारे माननीय प्रधानमंत्री गए और रात के समय तो इसका आकर्षण और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये पहला स्टेशन जो फल शाक गृहम है जहाँ पर किसान कुमार ने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की और जो भी बच्चे आएंगे यहाँ पर उनसे हर स्टेशन के जो शुभंकर हैं वो उनसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ पोषण से संबंधित, भोजन से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित साझा करेंगे। In fact, when the sun goes down, the weather cools down a lot and the lights come, the lights begin to shine and we can see and the whole place glows and it's quite beautiful. In fact, the entire theme park in the night is very beautiful and we will be seeing a lot of that later this evening when the Prime Minister will be inaugurating different parts of the Glow Park, for instance, later in the day. Right now we've been through this experience with the children in the Children's Nutrition Park and it's been a rewarding experience. It's taken us all back into our childhoods and we have been quite fascinated and it has brought about wonder once again, which is everything that at the end of the day is what makes one search for knowledge, the wonder in the things around us. ये चौथा स्टेशन न्यूट्री ट्रेन का पोषणपुरम जहाँ पर शक्ति मेहता जो हैं वो जल के महत्व को बच्चों तक पहुँचाती हैं और हमने अब से कुछ देर पहले देखा कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी बहुत ही तन्मयता के साथ इस पूरे ज्ञान को जो जानकारी है उसे सुना समझा और यहाँ आने वाले जो बच्चे हैं उनको जल की महत्ता के बारे में भी बहुत ही मनोरंजक ढंग से बताने की योजना है चौथे स्टेशन पर। There is also a subliminal message here. We see Janardan, we see the farmer, we see the mother, and we see the girl child. These are all very important characters in the growth of a human being. So these messages are also coming through through the 3D characters that we see here. Indeed, I think in
Kisan Kumar would have also been a father, so I suppose he would represent that job as well. And perhaps we... ये इस न्यूट्रिशन पार्क का भूल भुलैया का क्षेत्र है, जहां पर आप एक जगह बैठते हैं और आपकी जो प्रतिकृति है वो कई तरफ से बन जाती है। शीशों को इस तरीके से लगाया गया है कि एक जगह बैठने पर आपकी तस्वीरें कई जगह नजर आती हैं। तो जब बच्चे यहां पर आएंगे और वहां बैठेंगे तो उनको रोमांचित होने का एक बहुत ही शानदार विकल्प मुहैया कराया गया है। This is the external view of the mirror maze, where when you enter, you can see yourself from different angles and different aspects, and you can see yourself as multiple personalities rather than one. And I suppose it would be fun to search for oneself and find which is the right perspective. भारत का ये सबसे बड़ा मिरर मेज है जिसका निर्माण यहाँ पर किया गया है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में, जिसका अवलोकन कर रहे हैं स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। केवड़िया टूरिज्म सर्किट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती के दो दिवसीय समारोह का आज पहला दिन है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सबसे पहले आरोग्य वन का अवलोकन किया, उसके बाद एकता मॉल को उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया, और उसके बाद आगमन हुआ चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में, जो कि संभवतः विश्व का सबसे पहला टेक्नोलॉजी ड्रिवन पार्क है। और वहाँ पर अलग अलग माध्यमों से न्यूट्री ट्रेन में यात्रा करने के एक रोमांचक रोचक सफ़र के दौरान अलग अलग स्टेशंस पर जाकर के जानकारी दी जाती है। भूल भुलैया सिनेमा का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, जहाँ पर 5D फिल्म दिखाई गई जिसका नाम भारतीय थाली, यूनिटी इन फूड डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, जो हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और देश के इस भाग में, गुजरात में, केवड़िया में, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के आंचल में जिसका निर्माण हुआ है, एक नई दुनिया जन्म ले चुकी है देश के इस भाग में। और न केवल देश में बल्कि सारी दुनिया से यहाँ पर पर्यटकों का आगमन होगा। कोरोना महामारी के समय में न्यू नॉर्मल के तहत हम सभी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना करते हुए, उसी का एक अंग है आज के इस जन्म जयंती समारोह का ये पहला दिन, जहां पर एक के बाद एक आकर्षण माननीय प्रधानमंत्री महोदय लोकार्पित कर रहे हैं। आज वे 17 जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण करेंगे कुल मिलाकर, और 4 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। Since this place is dedicated to Sardar Patel, we see glimpses of Sardar Patel at every station. He came in from a family of farmers. He was very close to his mother and was deeply impacted by her spiritual inclinations. He loved children. So all these are also reflected here, as if keeping Sardar Patel's personality, his philosophy, his likes and dislikes, and of course Janardhan, because Sardar Patel had a very big role to play in Operation Flood, which brought about a revolution, a white revolution in our country, and also laid the foundation for the Amul movement in our country. एक और बात जो बड़ी उल्लेखनीय है वो ये कि ये पार्क बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए ये न्यूट्रिशन पार्क है, और प्रधानमंत्री की दिलचस्पी देखते ही बनती है। उन्होंने एक एक जगह बारीकी से जाकर हर बात को सुना, समझा, और उसके अलावा अगर उन्हें कहीं कुछ जानना था या अपनी सलाह देनी थी, उन्होंने पूरा समय दिया है यहाँ पर एक एक चीज़ को देखने में। ये अपने आप में बहुत एक कमाल की बात है, और जो हमें ये भी सिखाती है कि दृष्टि के साथ साथ उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, ये बहुत बहुत आवश्यक है, और ये एक सीखने की बात है। एंड द ट्रेन अराइव्स हियर एट एकता जंक्शन। योर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑफन सेड दैट ही इज वेरी डीपली इंस्पायर्ड
by Sardar Patel and his ideals, and we see a glimpse of that here today. He's allowed the child in him to be present here. He's allowed different perspectives when he watches these exhibitions here. So he's probably looked at it from the child's point of view. If children are here, what would they see? How would they react? And if the adults come here, what their reaction would be? Well, one thing also about the Children's Nutrition Park is that it has a food court. I don't think the Prime Minister may be going there, but you know, after going through all this, one would like to go and visit the food court, I suppose. न्यूट्री ट्रेन के सहारे यहाँ के अलग अलग स्टेशनों पर जाकर वहाँ के शुभंकर के जरिए चीज़ों को समझकर अब माननीय प्रधानमंत्री न्यूट्रिशन पार्क से बाहर की ओर जाते हुए चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं. उन्होंने आरोग्य वन और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का केवड़िया में यहाँ लोकार्पण किया है. उनके द्वारा लोकार्पण किया गया. आज प्रधानमंत्री जी का काफी व्यस्त कार्यक्रम है. कुछ समय बाद उनके कार्यक्रम का अगला हिस्सा प्रारंभ होगा, तब हम सीधे प्रसारण के साथ दोबारा उपस्थित होंगे.